सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भोपाल अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में बसंत पर्व गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शांति कुंज हरिद्वार के युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय के प्रभारी केदार प्रसाद दुबे का बसंत पर्व दर्शन पर मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम का संचालन रामचंद्र गायकवाड़, युवा प्रकोष्ठ के रमेश नागर आदि उपस्थित थे। सारे सकता है, लगभग 2000 का शुभ कार्यक्रम चलता है।
आज फसल पर्व मना रहे हैं। एक और परिवार सत्तर जनवरी को हमारे गठबंधन का भी बताना है, वही दूसरी ओर सरस्वती और गायत्री परिवार के जो संस्थापक हैं वो जो है पंडित श्याम शर्मा आचार्य का यहाँ आध्यात्मिक जन्म। आज के दिन ही हिमालयवासी सत्ता को उनका साक्षात्कार हुआ था और उनको आत्मज्ञान कराया गया, इसलिए गुरुदेव का यह आध्यात्मिक जन्म दिवस मन रहा है। आने वाली 2026 में चार बड़े सहयोग उद्यम की तैयारी के रूप में भी ये फसल पर्व आया। एक तो अखंडियों की जो परंपरा गुरुदेव ने प्रचलित की थी उसकी जन्म शताब्दी हो, हमारी जो गुरु माता है उनका भी 100वां वर्ष होगा और परमपुर गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस होगा 100वां। साथ ही साथ ऐसे अरविंद ने जो कहा था कि भागवत चेतना का अवतरण हो रहा है वो भी 1926 में ही उन्होंने कहा था, उसका भी शताब्दी वर्ष। तो इन चारों को लेकर के बहुत सारी रचनात्मक साधनात्मक प्रचारात्मक और समाज सुधार के ढेर सारी कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उनके माध्यम से गायत्री परिवार पूरी दुनिया में एक नया जागरण कर रहा है कि मनुष्य को मनुष्य बनाया जाए, साधन सुविधाएं कितनी भी हो जाएं परंतु व्यक्तित्व का विकास के हुए बिना, नागरिक के निर्माण हुए बिना हमारा गणतंत्र नहीं सफल है। बसंत उत्सव बड़ा उत्सव पूर्ण मनाया जा रहा है गायत्री परिवार में। गायत्री परिवार का आज गुरुदेव हमारे जो आचार्य श्री राम शर्मा जी है उनका जन्मदिन आध्यात्मिक जन्मदिन के रूप में हम बसंत पर्व पर मनाते हैं। आज नया संकल्प लेकर नई जागरण के लिए नया क्रम हम अपनाते हैं, तो हम आगे 2026 तक पूरे विश्व में अखिल विश्व गायत्री परिवार को घर घर कोने कोने तक गुरुदेव के साहित्य को विचारों को पहुँचाने का हमारा संकल्प लिया है और उसको हम पहुँचाएंगे। सर नाम बता दीजिए। रमेश कुमार नागर।